कैजुअल और पार्टी वेयर के लिए अगर स्नीकर ढूंढ रहे हैं वो भी अफोर्डेबल प्राइस में और प्रीमियम क्वालिटी के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ इस कंप्लीट वीडियो में। आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं ली कॉपर ब्रांड के स्नीकर का, जिसका आर्टिकल नेम है LC3389A। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इस स्नीकर के डिज़ाइन के बारे में, इसकी बिल्ड क्वालिटी, कंफर्ट कैसा रहने वाला है, प्राइस क्या रहेगा, इशूज़ की हम केयर कैसे कर सकते हैं और मेरी क्या ओपिनियन रहेगी शूज़ के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं आपके लिए पेटीएम कैशबैक और गिव अवे के ऑफर लेकर आता रहूँगा। तो जिसके लिए करना है जस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक। हेलो गाइज, मेरा नाम है यान और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्रू रिव्यूज़। नजर डाले थे शूज के बॉक्स पे, तो ब्लू कलर के अंदर शूज का बॉक्स आता है और बड़ी बड़ी ब्रांडिंग के अंदर आपको ली कूपर लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। शूज को जब टर्न करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा क्राफ्टिंग क्वालिटी सिंस 1908। तो यूके का ब्रांड है तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ईस्ट लंदन। शूज को इस साइड जब टर्न करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा आर्टिकल नेम, इसका कलर, इसका साइज, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या रहेगी और MRP कितना है शूज का। जिसका शूज का MRP है 2799 है, लेकिन कितने में शूज़ आप परचेज कर सकते हो वीडियो के बीच में जानेंगे। तो बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं किस तरह की पैकेजिंग के साथ हमें शूज़ देखने को मिलेगा। तो इस तरह की पैकेजिंग के साथ शूज़ हमें देखने को मिलता है। इस शूज़ में तीन कलर वेरायटी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से दो शूज़ के कलर हमारे पास अवेलेबल है। तो शूज़ का ऑल ओवर व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ ये शूज़ आता है। एक बार दूसरे पेयर को भी हम देख लेते हैं। तो बॉक्स को करते हैं साइड और बात करते हैं शूज़ के डिज़ाइन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस शूज़ में आपको तीन कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से दो कलर वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल हैं। जो पहला कलर है ब्लैक, दूसरा कलर नेवी ब्लू और जो थर्ड कलर है इसका वाइट है। तीनों कलर काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं शूज़ के अंदर और काफ़ी कूल लुक भी देते हैं आपको। स्नीकर को जब होल्ड करते हैं तो काफ़ी लाइट वेट आपको फील होता है। स्नीकर में कम्प्लीट जेन्युइन लेदर का यूज़ किया गया है, जिसकी वॉश एंड केयर कैसे करनी है वीडियो के आगे बात करेंगे। थोड़ा सा स्नीकर के डिटेल के बारे में आपको बता देता हूँ। जो इसकी हील हाइट है वो 1.5 इंच है। अपर मटेरियल इसका लेदर है, हील टाइप्स की फ्लैट है और जो सोल मटेरियल है वो TPR है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शूज़ के अपर के बारे में। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, जो शूज़ और स्नीकर होते हैं उनमें मेनली तीन पार्ट होते हैं, अपर, मिड सोल और आउटर सोल। जो शूज़ का अपर होता है वो आपके पैरों को कवर करता है और प्रोटेक्शन देता है। जो मिड सोल होता है उसका काम होता है आपके शूज़ को कंफर्ट प्रोवाइड करना। जो आउटर सोल होता है, जो ग्राउंड के टच में आता है, उस पोर्शन को हम आउटर सोल कहते हैं। तो इस शूज़ के अपर में आपको जेन्युइन लेदर देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है। शूज़ के इस साइड में आपको दो स्ट्रैप देखने को मिल जाती है, साथ में यहाँ पे लीप कॉपर का आपको टैग भी देखने को मिल जाता है। इस शूज़ की जो स्टिचिंग है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जो स्नीकर की लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देती है। स्नीकर के बैक में आपको ऑफ वाइट कलर भी देखने को मिल जाता है, और जब स्नीकर को टर्न करते हैं तो यहाँ पे आपको प्लेन डिज़ाइन ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्नीकर के आउटर सोल के बारे में। तो स्नीकर का जो आउटर सोल है वो हाई क्वालिटी के TPR सोल से बना हुआ है। मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में, जो TPR होता है वो फाइलन और ईवा सोल से ज़्यादा बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। इसके आउटर सोल में आपको लाइनिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है, जो एक आपको स्टेबल ग्रिप प्रोवाइड कर सकता है। आउटर सोल में आपको ली कूपर का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। अगर इसके आउटर सोल को अगर मैं रेट करना चाहूँगी इसकी क्वालिटी के लिए, तो 9/10 रेटिंग देता हूँ। जनरली जो स्नीकर होते हैं उनके अंदर आपको हाई ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए ग्रूव्स नहीं दिए होते, क्योंकि कैजुअल और पार्टी वेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादा ग्रिप आपको उन शूज़ में दिखेंगे जिनमें आपको रनिंग करनी होती है, प्लेइंग करना होता है। स्नीकर बेसिकली आपको कम ग्रिप के साथ ही देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं लेसेस की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे आपको नायलॉन की फ्लैट लेसेस देखने को मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी ठीक है इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। और साथ में यहाँ पे जो आईलेट का यूज़ किया गया है वो मेटल के यूज़ किए गए हैं। शूज़ की टंग के अंदर आपको ठीक ठाक थिकनेस देखने को मिल जाती है, और साथ में शूज़ की टंग के अंदर आपको ली कॉपर की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कम्फर्ट के बारे में। तो जो शूज़ का कम्फर्ट होता है दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो इसके इनसोल और सेकेंड इसके मिड सोल। स्नीकर में ज़्यादातर मिड सोल में ज़्यादा कुशनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि रनिंग शूज़ में प्रोवाइड की जाती है। तो जितनी भी कुशनिंग आपको मिलती है वो इसके इनसोल से मिलती है, इसलिए शूज़ के इनसोल की थिकनेस काफ़ी अच्छी रखी गई है। तो जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना कंफर्ट आपको शूज़ देगा। तो
तो इस शूज़ को जब मैंने वियर करके देखा तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग आपको ये दे देता है, तो लॉन्ग टाइम तक इस शूज़ को वियर कर सकते हैं, नो डाउट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर इसके कंफर्ट के लिए इस शूज़ को मैं रेट करना चाहूँ तो 9.5 रेटिंग देता हूँ आउट ऑफ 10। तो शूज़ के डिस्काउंट के बाद प्राइस के बारे में बात करने से पहले हम इसकी वॉश एंड केयर के बारे में बात कर लेते हैं। शूज़ को क्लीन करना बहुत ही ईजी है, स्नीकर जेल लेदर का बना हुआ है तो आप इसको ड्राई क्लीन क्लोथ से क्लीन कर सकते हैं। मशीन वॉश और वेट क्लोथ का यूज़ करना इस लेदर की क्वालिटी को ख़राब कर सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसे ड्राई क्लीन क्लोथ से आप क्लीन कर सकते और बहुत ही ईजी आप इस शूज़ को क्लीन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं शूज़ के प्राइस के बारे में। इस शूज़ का जो MRP है 2799 है और ये शूज़ MRP में भी आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी देने वाला है, लेकिन डिस्काउंट के साथ ये शूज़ आपको 1000 से 2000 की रेंज में आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस शूज़ को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पे आप परचेज कर सकते हैं। अगर शूज़ को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगर ये शूज़ आपको 1200 से 1800 की रेंज में मिलता है तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है आपके लिए। अगर डिस्काउंट के साथ ये शूज़ आपको इस प्राइस रेंज में मिलता है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस शूज़ को ज़रूर परचेज करके आप ट्राई कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे इन फ्यूचर मेरी वीडियो से रिगार्डिंग आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन रहता है आपको इस शूज़ से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।